नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गेट्स डेकोरेट। तो आज संडे है, सारा का काम खत्म हो चुका है, तो कहीं घूमने का मन कर रहा है, तो कहाँ चलें घूमने। चलिए चलते हैं, इतिहास के साथ जुड़ी हुई एक जगह है यहाँ पे राउरकेला में, वहीं पे चलते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा महाभारत, रामायण, गीता के बारे में तो सब कोई जानता है, लेकिन महाभारत जो है वो कहाँ पे लिखी गई थी, किसने लिखा था, आपको पता है? यहीं पे एक जगह है वेद व्यास बोल के, जो वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत, कहाँ पे बैठ के लिखे थे, जो वो गादी के ऊपर, वेद व्यास गादी बोलते हैं उसके ऊपर जो लिखे थे, वो भी है वहाँ पे, और जहाँ गुफा में रहते थे वो भी, वो जो पूजा करते थे मंदिर, तो अभी बना दिया गया है। वो सारी चीज देख के आएंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को, जो कि हम लोगों का महाभारत महान ग्रंथ है, उसी के बारे में कुछ जानकारियाँ इसी में आपको मिलेगी। तो फिर चलिए चलते हैं और देखते हैं। मेरा जो हस्बैंड है वो टाइम पे बहुत पाबंद है, मुझे बोले थे 10:30 में बिल्कुल रेडी हो जाना, पूरा टाइम पे रेडी हो जाना, अगर टाइम पे मैं रेडी नहीं होती हूँ तो ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। बोलेंगे कि नहीं अब टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया, 5 मिनट भी अगर लेट होता है तो बोलेंगे नहीं जाना है, लेट हो गया, कितना बजे जाएंगे और आएंगे नहीं। तो इसीलिए टाइम पे रेडी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान देने की बात है। तो चलिए, और 2-3 मिनट रहे 10:30 10:30 बजने में, तो मैंने यहाँ पे पर्स में रेडी कर लिया है, मेरा मोबाइल, एक सैनिटाइजर, और ये टिशू पेपर, और मेरा मास्क, और एक पानी का बोतल जो बहुत ज़रूरी है। तो फिर चलिए चलते हैं, जल्दी टाइम हो गया, चलिए चलिए। और हाँ, सब कुछ भूल जाऊंगी चलेगा, लेकिन ये भूल जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर होता है मेरे साथ। मोबाइल भूल जाऊँ चलता है, पर्स भूल जाने से भी चलता है, लेकिन ये भूल जाऊँ तो वापस आके फिर लेना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है ये। स्वर्ग द्वार, यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, और आगे है हम लोग मंदिर, यहाँ पे हमेशा भजन कीर्तन होता रहता है। और चलिए चलते हैं ऊपर, ऊपर ये सामने देखिए मंदिर है, और उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो व्यास नदी का मंदिर है। पहले हम चलते हैं और देखते हैं नदी जो है, जो नदी किनारे ये मंदिर है, सामने देख सकते हैं, सामने जो है ये कोयल नदी है, और लेफ्ट साइड में शंख नदी है, और जो एक सरस्वती कुंड है उसका पानी मिलता है, तो तीनों नदियों का पानी मिलती है, ब्राह्मणी नदी बनती है, और यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं, क्योंकि ये संगम स्थल है, तो इसीलिए। तो चलिए चलते हैं सरस्वती कुंड की ओर चलते हैं, ये देखिए ये सरस्वती कुंड, और यहाँ पर पानी हमेशा, एक झरना है यहाँ पे, और पानी हमेशा झरता रहता है, और ये पानी झरती हुई जाके जो हमने नदी देखी वही नदी में ये, तो इसको सरस्वती कुंड बोलते हैं। और पानी देखिए कितना साफ है, पूरा कांच की तरह साफ है पानी, और ऊपर है माँ सरस्वती का मंदिर। तो चलिए चलते हैं, माँ सरस्वती का भी दर्शन कर लेते हैं और उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। ये देखिए ये है माँ सरस्वती का मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अभी चलते हैं मेन मंदिर में, ये देखिए ये यहाँ पर लिखा है वेद व्यास जी का गुफा, ये देखिए ये है व्यास गादी बोलते हैं, ये व्यास गादी है, और गणेश जी हैं, ऐसे तो गणेश जी ने महाभारत लिखा था और व्यास मुनि ने उनका व्याख्यान किया था, तो इसलिए गणेश जी भी यहाँ पे हैं, इस तरह से यहाँ पर पूजा किया जाता है। और ये है व्यास गादी जिसके ऊपर महाभारत लिखी गई थी, और इसके ऊपर देखिए छत डाल दिया गया है, इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, ताकि एक जो अनमोल धरोहर है हमारे पास वो नष्ट ना हो जाए, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आए वो जान पाए हमारा महाभारत के बारे में। तो इस तरह से ये गुफा देखिए, इस गुफे के अंदर बैठ के ये महाभारत लिखी गई थी, रचना किया गया था ऐसा बोला जाता है इस तरह से। तो आप लोग भी अच्छे से देख लीजिए, यहाँ का जो है मेन मंदिर जो है यहाँ का ये है, और बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो मैं ऊपर जा रही थी लेकिन वहाँ पे बंद था, तो फिर से नीचे आ गई,
बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कितना सारा मंदिर हम लोग देख पाते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर। और यहाँ पर शिवरात्रि पे बहुत बड़ा मेला लगता है, झारखंड छत्तीसगढ़ से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और देखिए पीतल का जो लोटा है पूरा इतना चमचमा रहा था सोने की तरह, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चमका दिया था। और ये है माँ अन्नपूर्णा, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए ताकि आप सर पर भी उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। माँ अन्नपूर्णा विराजमान है मंदिर में। और इस तरह से अगर आपने मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से अब चलिए चलते हैं ऊपर। ऊपर क्या है देखते हैं, तो ऊपर है एक यज्ञ मंडप जहाँ पे यज्ञ होता है। ये देखिए ये यज्ञ मंडप, और यहाँ पर साइड में लिखा भी गया है कि ये यज्ञ मंडप है। जब शिवरात्रि में जब मेला लगता है तो यहाँ पे यज्ञ होता है इस तरह से। और साइड में और एक गुफा था ये देखिए। तो कहते हैं जो हमने पहले गुफा देखा था अंदर अंदर से यहाँ तक इसका कुछ कनेक्शन है, इस टाइप का है गुफा, लेकिन अंदर से बंद था। मैंने अंदर जाके भी देखा, मैं चली आई। बहुत छोटा सा एक गुफा था ये इस तरह से। और बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर तो बंद भी था, तो हम लोग फिर चले आए। देखिए मंदिर ये पीछे मंदिर जो है ये पीछे वाले रास्ते से हम लोग आ गए थे, ये सामने से खुला है लेकिन पीछे से बंद था। तो फिर हम लोग चले आए नीचे। और ये देखिए तारिणी मंदिर है, रास्ते में ही पड़ता है ये मंदिर, तो बहुत ही प्रत्यक्ष देवी हैं उड़ीसा की, सभी लोग मानते हैं तारिणी माँ को। तो देखिए कितना बड़ा मंदिर है, बहुत ही साफ सुथरा था। तो हम लोग उतर गए, हम लोग यहाँ भी आ गए दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा माहौल था। तो दो दो मंदिर हम लोगों का दर्शन हो गया, और क्या चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।